जनपद बुलंदशहर की सियाना पुलिस ने दो अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। जनपद बुलंदशहर के रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में प्रेस वार्ता कर बुलंदशहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने किया घटनास्थल का सफल अनावरण। संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों अपराधी बाइक मैकेनिक है, जो कि चोरी की गई बाइकों के पार्ट्स बदलकर उन्हें बाजारों में बेच देते हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल एवं एक स्कूटी बरामद। पकड़े गए अभियुक्तों की शिनाख्त राजेश टिंकू पुत्र लाल सिंह गांव भराना थाना नरसेना जनपद बुलंदशहर एवं राजकुमार पुत्र कलुआ निवासी मोहल्ला बूढ़वाला कस्बा बुगराती थाना नरसेना जनपद बुलंदशहर के नाम से हुई। थाना सयाना पुलिस के द्वारा दो साथी अंतरप्रांतीय स्तर के वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम राजेश है, जो नरसेना थाना क्षेत्र भराना गाँव का है। दूसरा राजकुमार है, जो बुगराती नरसेना थाना क्षेत्र का है। उल्लेखनीय है कि इनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं और सभी 8 मोटरसाइकिलें ट्रेस्ड हैं, जिनके मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। इनमें से 5 चोरी के मुकदमे सयाना थाना में लिखे गए हैं, 2 नोएडा में लिखे गए हैं और 1 दिल्ली शाहीन बाग में लिखा गया है। तो इस तरह से 8 मोटरसाइकिलें जो बरामद की गई हैं वो लिंक्ड हो गई हैं और जहाँ से इन्होंने चोरी किया था। ये मूलतः मोटर मिस्त्री हैं, मैकेनिक हैं। इनकी अपनी दुकानें हैं। राजेश की दुकान सयाना थाना क्षेत्र में है और राजकुमार की बुगरासी नरसेना में। ये मोटरसाइकिलें चुराते हैं, अपनी दुकान पे लाते हैं, फिर उसमें चेंजिंग करके उसको बेच देते हैं। तो इस प्रकार से एक साथी गिरोह का अनावरण हुआ है और इसके बारे में और भी हम लोग जानकारी का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि इनका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर अगर 8 मोटरसाइकिलें हमने बरामद की हैं तो ये पूर्व में भी कुछ न कुछ इनका रहा होगा, उसके बारे में जानकारी की। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।